नमस्कार। न्यूज़ क्लिक में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर उषा रामनाथन से। उषा बहुत लंबे समय से भूख पर और कानून पर काम करती रही हैं, बेघरों पर, गरीबों पर इनका बहुत ज़बरदस्त काम है। और इसके साथ साथ जो बहुत अहम योगदान ज्यूरिसप्रूडेंस को इन्होंने दिया है, वह उस समय दिया जब आधार पर लेकर जो पूरी की पूरी बहस चल रही थी, राइट टू प्राइवेसी को लेकर बहस चल रही थी, उसकी चैंपियन के तौर पर उषा रामनाथन रही। इन्होंने बहुत परेशान करने वाले सवाल उस समय उठाए, जो इस समय जब हम कोरोना का समय बात कर रहे हैं, वे सवाल पूरे के पूरे जिंदा हैं, उन पर बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। उषा, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत। जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, देश लॉकडाउन में है, एक महीने से समय पूरा हो गया है, और ऐसे समय जो भूख है वो सड़कों पे पसरी हुई है, जो भुखमरी के कगार पर भारत है वो हर कोने पे दिखाई दे रहा है, और ऐसे में कैसे आप देख रही हैं पूरी डेमोक्रेसी को, कानून को? पहली चीज़ ये है कि आई थिंक लैंग्वेज का बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होता है अपनी पॉलिसीज़ में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपना सोच में, अपना समझ में। आई थिंक वो पहले जब हमने कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि इस देश में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत आसानी से होता है। एक्चुअली इवन नॉर्मल टाइम्स में हम सोशल डिस्टेंसिंग करते रहते हैं, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना बहुत ज़रूरी था। एंड आई थिंक टू थिंग्स, यू नो, एक चीज़ यह है कि जिनके पास घर है और जिनके पास सुविधाएँ हैं, उनको घर के अंदर रह के अपना देखभाल करने के लिए घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं आना है, ये सब कहना उनके लिए मुमकिन था, और वहाँ रख, यू नो, वहाँ रह के उनको सोशल डिस्टेंसिंग करना भी आसान हो गया। सो इट्स बीन अ स्ट्रेंज टाइम, जब जिनके पास कुछ है और कुछ सिक्योरिटी है उनकी ज़िंदगी, और जिनके पास वो नहीं है उनकी ज़िंदगी में इतना फ़र्क आ गया। अभी ये जब कोविड 19 का चल रहा है, हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग कहेंगे तब भी झुग्गियों में मुश्किल है फिज़िकल डिस्टेंसिंग करना। जब माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, उनके लिए जैसा सुविधा देना चाहिए था वो तो इवन नॉर्मल टाइम्स में नहीं दिया गया है, और अभी इतना भीड़ में वो कैसे रहेंगे, वो कैसे फिज़िकल डिस्टेंसिंग करेंगे? राइट्स का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उनके लिए है जिनके पास राइट्स नहीं है। सो व्हेन वी हैव, जैसे अभी जब चल रहा है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। ये बहुत लोग इसको जंग कहते हैं, आई थिंक वी शुड स्टॉप इट उसमें भी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ वॉर, इट इज़ नॉट इवन अ वॉर ऑन द वायरस, बिकॉज इवन विद दैट यू नीड टू नो योर एनिमी, एंड दिस इज़ अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपेंड इन द वर्ल्ड, जो जिसके समझ हमारे बाहर है। एक और अहम सवाल है, वो है माइग्रेंट वर्कर्स का, मजदूरों का, जो हमने देखा बड़े संख्या में, हज़ारों की संख्या में वो वापस जा रहे थे, और अब लोगों को चिंता हो रही है कि वो अगर वापस नहीं आए, क्योंकि लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है फिर जो लोग रह गए थे वापस चले जाएं, वापस नहीं आएंगे तो फिर इकॉनमी का क्या होगा? इन कर्नाटका हाईकोर्ट किसी ने केस दर्ज किया है वहाँ, कि अभी कहा जा रहा है कि अगर मज़दूर लोग जो हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वहाँ पे सिटीज़ के अंदर या स्टेट के अंदर, उनको टेस्ट करके काम पे भेज सकते हैं, लेकिन अगर टेस्ट करके पता चलता है कि वो नेगेटिव हैं एंड दे आर ओके, दे कैन मूव एंड दे कैन वर्क अमंग अदर पीपल, वो वापस घर नहीं जा सकते। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रीटिंग पीपल एज लेबर एंड ट्रीटिंग पीपल एज सिटीजन्स। अगर माइग्रेंट लेबर को सिर्फ लेबर दिखाया जाता है, इफ़ वी सी देम लाइक दैट, तब क्या होगा? हम यही सोचेंगे कि वो पॉलिसी ऐसा ही हमें फिक्स करना है जिसमें वो दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, काम करते रहें, लेकिन वो सिटीजनशिप अगर उनके हाथ में है और हम समझते हैं कि उनका सिटीजन, वो भी सिटीजन है, फिर चॉइस उनके हाथ में होगा कि वेदर यू वॉन्ट टू गो बैक होम। और हमें पता है अभी कि बहुत लोग वापस घर जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो बैक होम बिकॉज सो मच अनसर्टनिटी हैज बीन क्रिएटेड। दे माइग्रेंट लेबर मूव्स टू वर्क, काम करने के लिए वो चलते हैं एक जगह, बट देयर कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज विद देयर फैमिलीज, एंड मेनी ऑफ देम आर पीपल, जो फैमिली कहीं है और ये लोग कहीं है, दे आर द ब्रेड विनर्स, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेनी थिंग्स दैट हैपन देयर, एंड दैट इज देयर सपोर्ट। तो हमें ये कहना कि
काम में जाना है तो हम आपको टेस्ट करके भेजेंगे, लेकिन अब अगर घर जाना है हम नहीं करेंगे. दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन. ये जब कर्नाटका हाईकोर्ट में गया था, वहाँ का कोर्ट एक्चुअली बहुत बढ़िया कोर्ट है, और उन्होंने कहा आपने वो जो मार्च एंड में ये पॉलिसी निकाला था उसको आपने चैलेंज नहीं किया, इसलिए हम उस पर नहीं कहेंगे, लेकिन टू टेक केयर ऑफ माइग्रेंट्स जो हमने कहा है उसको हम डेवलप करेंगे. प्रॉब्लम कर्नाटका हाईकोर्ट का ये भी था, शायद था, कि वो कह सकते हैं कि कर्नाटका से जाना है, लेकिन बाकी स्टेट्स के लिए उनका उनका ऑर्डर तो नहीं चलेगा. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो सुप्रीम कोर्ट को करना मुमकिन भी है और ज़रूरी भी है, टू बी एबल टू कंसिडर द डिफरेंस फॉर माइग्रेंट वर्कर्स बिटवीन बींग वर्कर्स एंड बींग सिटीजन्स. वेन यू आस्क, ऐसी वाली स्थिति में क्या सवाल पूछ सकता है, ऐसी वाली सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सब अभी भी हमने देखा कि जो लोग जा रहे थे, हज़ारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पे दिखाई दिए, दिल्ली में तमाम मेट्रोज में, गुजरात, मुंबई, कर्नाटका, तमिलनाडु, और उनके बारे में जो पूरे नीति निर्धारक थे उनका एटीट्यूड एक ही ढंग का था. बाद में उनको रोक दिया गया, अब थोड़ा सा हो रहा है कि जहाँ पे लोग बुला रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नीति के, अगर पॉलिसी के लेवल पर आप देखिए तो हिसाब यही था कि उनको यहीं रुक जाना चाहिए, वे नहीं जा सकते. जबकि हम बाकी वर्कर्स को या बाकी जो बच्चे जो पढ़ने गए थे, बाकी विदेश से जो लोग गए थे, हमने वहाँ तक इंतज़ार किया कि वो लोग आ जाएं अपने यहाँ. जब लॉकडाउन हुआ था, ये प्रॉब्लम ये था कि 4 घंटे के अंदर अंदर सारे राज्यों को इसकी, मतलब दे हैड टू दैट. आई एम नॉट श्योर दैट्स द वे फॉर एनी पॉलिसी टू इवन बी अनाउंस्ड. इट वॉज अ बैड आइडिया टू डू इट, बिकॉज 8 बजे बताएंगे. Even other state governments will have to prepare for their own people, and if there is no arrangement made, लोग कहाँ जाएंगे? So that was a big problem. But to say that उस समय अगर कहना था कि नहीं अभी कहीं मत जाओ, because we have to contain it, make sure कि ये नहीं फैलेगा, उसमें I think there is some sense in that. It's not an unfair kind of, but it has to be done by taking people into confidence. ये problem ये है कि सारा top down, हम कहेंगे आप जब जा सकते हो, हम कहेंगे आप कैसे जा सकते हो, हम सब सारी चीज़ को बंद करके कहेंगे कि आप यहीं रुक जाओ, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने आप संभाल लो. दैट विल नॉट वर्क. जब पता था कि लॉकडाउन होने वाला है, जब पता था कि इतने सारे मजदूर हैं जो ट्रैवल करते हैं, जब ये सब पता था, उसके बारे में भी कुछ लोगों से पूछना भी था और कहना भी था उनसे, वो सब नहीं हुआ. सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट, आई वोंट से दैट पहला लॉकडाउन में लोगों को एक ही जगह पे रखना और कहना कि यहाँ से मत जाओ, उसमें कोई बड़ी गलती थी, आई वोंट से दैट. लेकिन जैसा हुआ, इट बिकेम लाइक अ टॉप डाउन, इट बिकम्स ओप्रेसिव. हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है हमारे, यहाँ को एक और चीज़, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की, उसमें सारे जो मजदूर थे वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा पाए इसलिए भूखों मर रहे हैं. अगर हम गांव चले गए होते, हमने सरकार की बात पे विश्वास कर लिया और हम यहाँ रह गए, और हमें लगा कि इतने दिन हम यहाँ झेल सकते हैं, और अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, और हमें भिखारी बना दिया, हमें सड़क पे खड़ा कर दिया. पहले हम कह रहे थे कि 1980s तक हम पॉवर्टी के बारे में ही बात करते थे. 1980s में हमने रिकग्नाइज किया कि ये पॉवर्टी एक स्टेटस जैसा लग रहा है. पीपल आर नॉट पुअर. There are many ways in which people are made poor. They become poor and they become poorer over a period of time. Wo mass displacement projects ke liye jab tha, usi mein it was very clear to see. So tab humne realize kiya ki nahi, poverty ke baad ek impoverishment hota hai. Policies ke karan people aur poor hote hain. And the classic case was jab land acquisition ho raha tha, project affected people ko kahin jagah nahi tha. सिर्फ जिसके हाथ में ज़मीन था, सिर्फ उनको रिकग्नाइज किया जाता था, बाकी सब इनविजिबल हो गए ये पॉलिसीज में. देन बाय द लेटेस्ट लैंड एक्विजिशन एक्ट विच केम लेस देन अ डेकेड अगो, देयर फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव लॉ अक्नॉलेज प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल. इतना साल लगा. सो यू थिंक अबाउट वॉट इट मीन्स जब हम अक्नॉलेज भी नहीं करते हैं एक प्रॉब्लम. अभी ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का है, आई थिंक ऑल एडमिनिस्ट्रेशन शुड सिट डाउन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. 1979 में एक कानून आया था, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट. उसके अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड द कॉन्ट्रैक्टर
उनको रजिस्टर करके लाइसेंस लेके तभी लोगों को माइग्रेंट लेबर ला सकते हैं, वो कानून कहीं भी लागू नहीं हुआ 1979 का। आप जाके देखिए 1982 में एशियाड हुआ था, आप जाके देखिए कि उसका कोई रिकॉर्ड है कि कितने लोग, एंड देन से कहेंगे कि नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं आए, एक एक करके आए थे, एक एक करके कोई बहुत कम लोग आते हैं, दे कम यू नो वन अमंग देम मे बिकम द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली, अगर ये कानून सीरियसली लिया गया था एंड इफ द गवर्नमेंट वर गोइंग टू रिस्पेक्ट द लॉ, तब वी वुड हैव नोन कि कितने अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं, कौन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स हैं, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कहाँ है, अभी तो कुछ भी नहीं पता था। सो पीपल वर लेफ्ट इन द लर्च टू यू नो टू डील विद इट फॉर देमसेल्व्स। और मिस्टर अमिताभ कांत का एक एम्पावर्ड कमिटी जो है, उसमें व्हेन ही कॉल्ड द फर्स्ट मीटिंग एंड इट वाज रिपोर्टेड, उसमें लिखा गया है कि वी कॉल्ड प्राइवेट इंडस्ट्री बिकॉज वो सैनिटाइजर और ये यू नो ऑल द अदर थिंग्स हैव टू बी मेड, वी कॉल्ड वर्ल्ड बैंक एंड यूएन एजेंसीज क्योंकि कभी पैसे का जरूरत हो सकता है, और एनजीओस को बुलाया गया क्योंकि एनजीओस को स्ट्रीट वेंडर्स पुलिस पीपल कहाँ है ये पता होगा नहीं, पता होगा नहीं, उनके बीच में इनको काम करना है। सो द आइडिया दैट एडमिनिस्ट्रेशन is about administering so that everybody is included in and you know what it is, that kuch din wo toot gaya. Kyun toota? Because you brought in technology and said hum ye naya shabd ek abhi aaya hai hamare beech mein ki disintermediation, matlab if administrator agar field pe jayega then people will say corruption warruption ye wagera wagera, milega hi nahi to corruption kaise hoga? To aap office mein baitho, sara MIS mein aayega, आप कंप्यूटर पे देख लो, वो डेटा से आप अपना काम कर लो। सो द लिंक द इंटरमीडियरी बिटवीन स्टेट एंड स्टेट पावर एंड पीपल, उसको तोड़ दिया। सो नाउ द एडमिनिस्ट्रेटर्स डोंट नो द पीपल एंड द पीपल डोंट नो द एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर हमें जाना है, हमें पता नहीं कहाँ जाना है, देर आर ओनली पोलिटिकल एंटिटीज, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ गया? सो अमंग द थिंग्स जो हमें पॉलिसीज में रिट्रैक्ट करना है एंड वी हैव टू चेंज दैट कम्प्लीटली, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद। ये डिसइंटरमीडिएशन को बंद करके इफ यू वांट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर यू मस्ट बी विजिबल टू द पीपल एंड यू मस्ट विजिट द पीपल, अदरवाइज यू कांट बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। सरकार जनता तक पहुंचे और लोगों को भी सरकार तक पता चले कि सरकार कौन है, कहां जा सकते हैं। अभी इफ यू आस्क द मजदूर लोग हियर विल दे नो कि कहां जाके किससे क्या पूछ सकते हैं? नो। जो बहुत अहम चीज अभी जिस पे चर्चा हो रही है, चिंताएं भी आ रही हैं, ऐप के बारे में, और जिसे कहा जा रहा है कि आपको हर हाल में एक तरह से उसे मैंडेटरी बनाने के लिए सरकार सोच रही है और तकरीबन दिमाग उसने बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप मेट्रो में चलना चाहें, आपको हवाई जहाज़ पे यात्रा करना हो तो ये आपके पास ऐप होना चाहिए, इस तरह की तैयारियां हैं। और इसको लेकर राइट टू प्राइवेसी का भी मामला है, कैसे आप देखती हैं? क्योंकि आपने तो बहुत लंबी लड़ाई, बहुत सवाल अपने आधार के संदर्भ में भी उठाए थे। इस होल ये टेक्नोलॉजी को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करना, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो गया अभी इन आर कंट्री। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि ये पूछना भी ज़रूरी है गवर्नमेंट कहाँ तक टेक्नोलॉजी को समझती है, क्योंकि कोई उनको दे रहा है और वो ले भी रहे हैं क्योंकि इट सीम्स लाइक अ कन्वीनियंट थिंग टू डू। इंडस्ट्री वॉन्ट्स डेटा, इंडस्ट्री वॉन्ट्स टू ट्रैक पीपल बिकॉज दे वॉन्ट टू बी एबल टू डिसाइड किन को सर्व करना है और किन को सर्व नहीं करना है, वगैरह वगैरह। एक्चुअली ये आरोग्य सेतु ऐप का पहली चीज़ यह है कि नॉट एवरीबडी हैज़ अ फ़ोन एंड नॉट एवरीबडी हैज़ अ ब्लूटूथ एनेबल्ड फ़ोन। सो अगर हम कह रहे हैं कि वी एंड इन मेनी हाउसेज आई फ्रॉम वॉट आई हियर देयर एंगजाइटी आपस में नहीं है, एंगजाइटी यह है कि जब हम किसी को काम पर बुला रहे हैं वो सही है कि नहीं और उनके पास होगा कि नहीं पता नहीं। सो इन यूआईडी के बारे में जब बात किया जाता था और ये बायोमेट्रिक्स काम करना मतलब प्रॉब्लम है जब पता चल गया, तब मिस्टर नीलकणी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्चुअली थ्री तरह के लोग हैं, एक हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, एक हैं जिनके पास फीचर फोन है, और वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन, सो वन थर्ड अप्रॉक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन के पास दोनों नहीं है। और जिनके पास है, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रही हूँ, और उन्होंने कहा कि अच्छा जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो आसानी से इस्तेमाल कर लेंगे, जिनके पास फीचर फोन है वो भी चल जाएगा, जिनके पास ये दोनों नहीं है आप जाके अपना अंगूठा लगा लो। सो इट इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल हु इज डिस्पेंसेबल। हमने जब काम किया था उसमें भी हमने वी सॉ दैट इनविजिबलाइजिंग
dispensability, redundancy, ye sab, these are concepts that have developed in the context of law and poverty. Ye koi, you know, abhi ye dekhe ke nahi bhai, these are ways of thinking of people who've been in various positions where jo badlav la sakte hain unke hath. And now technology is the big thing. So ye technology, pehli cheez ye hai ki the people who may need it the most are going to have no use for this. बिकॉज जब जुगी में या यू नो माइग्रेंट वर्कर्स वॉट एवर दे दें उनके पास ऐसा दे आर नॉट गोइंग टू हैव आइदर द इक्विपमेंट नॉर आपको रिपोर्ट करते रहना है कि यू नो यू हैव टू कीप एंड यू हैव टू कीप चेकिंग द अदर पर्सन ये सब उनके लिए नहीं चलेगा सो द वन थिंग दैट विल हैपन इज डेटा गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम दोज हुज डेटा कैन बी कलेक्टेड द मेन पीपल हु आर गोइंग टू बी ट्रैक बाय दिस आर द मिडिल क्लासेस उनके पास ही ये स्मार्टफोन है उनके पास ही ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है और उनको लगता है कि अच्छा अच्छा मैं सेफ रहूंगी या रहूंगा बिकॉज आई कैन नाउ डिटेक्ट हु द अदर यू नो अबाउट द अदर पर्सन ये एक्चुअली डेविड लायन ने एक अच्छा किताब लिखा है जिसमें कहते हैं कि वी हैव नॉर्मलाइज्ड एंड रूटीनाइज्ड सर्वेलेंस क्योंकि स्टेट करना एक चीज़ है कंपनीज करना एक चीज़ है हम आपस में भी करने को सिखा रहे हैं ताकि ये ऑर्डिनरी एंड नॉर्मल एंड रूटीन हो जाएगा एंड जब हम कह रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू डू यू नो बहुत असिम्टोमेटिक इतने सारे लोग हैं हाउ डू यू इवन नो इस ऐप का मतलब क्या है क्योंकि मेरा जो दूसरा सवाल इससे संबंधित है कि अभी जो डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से भारत में 80% जो मरीज हैं या जिनके अंदर सिम्टम्स हैं हमने जो देखे हैं उनके असिम्टोमेटिक हैं मतलब हम उनको खांसते छींकते बुखार इन सब से वो परे हैं तो फिर ये जो ऐप है ये ऐप कैसे शिनाख्त करेगा किसी की भी जो भी आप बता रहे हैं कि हम 14 दिनों में किससे मिले उनको हम ट्रैक कर पाएंगे तो एक्चुअली इट इज़ नॉट एन ऐप दैट्स यू नो इट्स शायद 2% के लिए 2% ऑफ द टाइम काम करेगा बट वो कलेक्शन ऑफ डेटा जो हो रहा है जहाँ से भी मिलता है वो तो होता रहेगा सी दिस इज़ नॉट यूनिक टू इंडिया अभी सब जगह पे हो रहा है एंड गूगल यू नो यू थिंक अबाउट इट गूगल एंड इज इट अमेज़न टू कंपनीज हैव गॉट टुगेदर एंड दे आर शेयरिंग देयर डेटा सेइंग वी आर हेल्पिंग द वर्ल्ड टुगेदर दे कंट्रोल द डेटा ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर सेइंग हैंड इट ओवर थिंक अबाउट व्हाट इट वी आर डूइंग इट एट अ टाइम व्हेन मिस्टर मुकेश अंबानी हु कुछ दिन पहले उनका एक स्पीच था जिसमें उन्होंने कहा कि ये डेटा लोकलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा नहीं इंडियंस का डेटा इंडिया में ही होना है इंडियंस को ही आना है एटलीस्ट इंडियन कॉरपोरेट्स को आना है अभी उन्होंने जाके ऑलमोस्ट 10% ऑफ हिज शेयर्स ही इज गिवन टू फेसबुक और फेसबुक का रेपुटेशन तो हम सब जानते हैं सो वी आर एक्चुअली पुटिंग आवरसेल्फ्स दैट व्हिच इज व्हाई आई एम वंडरिंग इसका क्या मतलब हुआ थोड़ा सा ये दर्शकों को बताइए कि ये जो मुकेश अंबानी और फेसबुक वाला हुआ है इससे क्या होगा See, the when they Facebook is going to have a seat on the board of this new company. Hame pata hai ki despite all the assistance that was, I mean, all the policies having favored Mr. Ambani through these years, Jio is not able to make a profit on its own. Abhi sab jagah pe problem ho rahi. So now, you know, mixing two things where ek Facebook knows the people and Jio has the technology which can cover a large vast mass of the people. And they are now linking themselves up to Kirana stores, local Kirana stores, so that they will then become reliant on this platform. It is a way of changing the nature of power over data and power over data about people. They're openly saying that we Facebook knows the people in intimate detail. Aur hamare paas jo wo technology hai jiske saath we can now make it, you know, everybody has this with them. So the marriage of these two is very good. It may be good for business, it's terrible for people. So after saying that it should come back to Indians and at least Indian corporates, jab Indian corporate Facebook ke saath baith ke ye kar raha hai, then it's not clear what they mean. Achha, aur wahi dusri taraf ek bahut and just ek aur cheez that you know throughout in this 10 years, see ye 10 years se pehle first decade agar hum dekhenge, everybody was excited by technology. Everybody, you know, everyone wanted a phone, everybody had first a desktop, then you had a laptop, individually kiya hai. Now, why is it that everything is about suspicion? Technology is being used to make sure that people are the way people who are, you know, people are of a certain kind. Who are you? What are you? To make it traceable, to make it trackable.
एंड द सस्पिशन दैट पीपल हैव ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज देयरफॉर ग्रोन बट द डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी केम इन द फर्स्ट टेन यू नो विद इन द फर्स्ट टेन ईयर्स बाई द टाइम पीपल रियलाइज दिस तो अभी दे यू नो सिस्टम्स आर शिफ्टिंग इन अ वे Why is it that after demonetization, everybody went back to cash? Is it only because that was not convenient, or is there something more? कोई हमारे इतने बड़े देश हैं, इतने सारे social scientists हैं, इतना सारा policy makers हैं, इतना सारा you know scientific minded people government में हैं, किसी ने study किया कि क्यों लोगों ने cashless को इतना कम इस्तेमाल कर रहे हैं? And why is it that so many more people prefer so much more cash? There is some logic. A state runs for a people. People don't run for a state. And that shift, I think, we really need to make now. It seems like technology is a solution. We know now that technology can be an enabler. It is not a solution. And in places where it does not enable, hame usko istemal karna nahi chahiye. Every place is not fit for technology. The other thing is decentralization. If it is working in Orissa today, Orissa is a place with many problems. But Orissa mein kyun the COVID thing has worked better? Because and why has it worked in Kerala? Because the local governments have been working over a period of time and a little bit you know stronger, weaker, whatever, but they have not been rendered irrelevant. We have to acknowledge the necessity for strengthening local government. मतलब जो जहाँ पे भी centralization छोड़ के केंद्रित है जहाँ local governments और local see technology का ये आज problem यही है कि सारी चीज़ को centralize करना try करता है. It is not about using technology. It is about using technology to generate data. It is about using technology to surveil people. You know this idea that it's not a tool for what it is supposed to deliver, but it is a tool for something way beyond. Which is unconstitutional, by the way, is that's something, you know, so the idea of centralizing everything has to go, and we have to acknowledge the value of decentralization. Strengthen those institutions. Do this again. ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये सारे सबक हमें कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद सीखने ज़रूरी हैं ताकि जो लोकतंत्र है वह जिंदा रह सके और जो मेहनतकश भारत है जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की उसकी ज़रूरत इस समय जितनी देश को महसूस हुई उतनी पहले कभी नहीं रही और साथ साथ जो विकेंद्रित भारत होना चाहिए जहाँ पे लोकल बॉडीज़ के पास पावर रहें और शक बहुत कम रहे अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ये हूँ आप कह रही हैं कि आप उषा हैं तो सत्ता को मानना चाहिए कि हम सच कह रहे हैं वन मोर थिंग इफ आई कैन से इस समय इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट Who is, you know, identities are not important. It is what the need is which is important. To go to a place and say, aap apna identity card dikhao, phir hum aapko. Aadhaar dikhao. Aadhaar chodo yaar, whatever identity, it's not always the UID. Nahin, abhi toh yahaan pe shuru mein saara yahi chal raha tha na, ki ration card nahi hai, toh kam se kam aadhaar dikhaiye toh milega. So why, if I'm hungry, why do I need to show an ID card? In an extraordinary situation, aap humse wo maang rahe hain, jo for that extraordinary situation, वो कम्प्लीटली इरेलीवेंट है इवन द कर्नाटका हाईकोर्ट विच इज डन एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क इन यू नो दे रियली डन गिवन सम वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल डिसीजंस देयर द चीफ जस्टिस देयर हैज गिवन सम वेरी गुड डिसीजंस इवन देयर यू फाइंड ही सेज लुक एट देयर आईडी कार्ड एंड देन गिव व्हाई आईडी कार्ड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन दैट वी हैव गॉट विद दिस आर वी लुकिंग एट पीपल और आर वी लुकिंग एट आईडी कार्ड्स सो आई थिंक देयर इज एक वे ऑफ थिंकिंग हैज गोज आउट इनटू आवर हेड्स उसको हमें निकाल के फिर उसको एग्जामिन करना बहुत बहुत जरूरी है उम्मीद है कि इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए उषा बहुत बहुत शुक्रिया और जो आपने बिंदु रखे हैं वो मुझे लगता है और संकट से बाहर निकलने के बाद हमारा देश और लोकतंत्र अगर इस पे नहीं सोचेगा तो शायद आने वाले दिन और मुश्किल वाले होंगे शुक्रिया